40% ऑफ नेक्स्ट आइटम पे आपको मिलने वाली है भैया। 360 लगा हाइपरसोनिक का फ्रंट से भैया वही गार्निश की क्रोम आइटम रहने वाली है। 3D व्यू में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए आप भाई। जब भी मैं व्हील आर्क भी अपने पास बैक इन स्टॉक है, डोर वाइजर लगा दिया भैया हमने, लोअर गार्निश अपना गैलियो का रहने वाला है। कितना शानदार ये इंटीरियर लग रहा है, ये हमें 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से वैसे 10 भी है। Hey guys, welcome back to the channel. बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आज जैसे देख रहे हो हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है ग्रैंड विटारा। जैसा आपको पता यार, अब हमने क्या कर दिया, मारुति की सारी गाड़ियां मॉडिफाइड करने लगे हैं। पहले क्या हो रहा था, हम खाली स्विफ्ट कर रहे थे, स्विफ्ट कर दिखा रहे थे, फ्रॉन्क्स कर रहे थे, खाली फ्रॉन्क्स दिखा रहे थे, मारुति दिखा रहे थे, मारुति दिखा रहे थे। अब क्या करते हैं भाई, मारुति की कोई सी भी गाड़ी ले आओ, वैसे तो सारी कंपनी की करते हैं लेकिन बेसिकली स्पेशली हम करते हैं मारुति की। तो मारुति की कोई सी भी गाड़ी लेकर आओ, बेस मॉडल उसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट कराओ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते अपनी वीडियो में और दिखाते भाई हमने क्या क्या काम किया और मिलवाते विपुल भाई से, लेट्स गो। तो भाई लोग जैसा देख रहे हो आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले हैं विपुल भाई। राम राम भाई, कैसे हो? राम राम भैया, बढ़िया। ठीक हो? बढ़िया, सब सही चल रहा है भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज। खुश तो रहेंगे भैया, लाइफ है वो खुश रहने वाली है। बिल्कुल ठीक बात भाई। देखो ऐसे कैमरा के बीच बीच में आ रहा था, इग्नोर करना भाई। आओ फ्रंट से बात करते हैं भाई। ये ग्रैंड विटारा हमारे पास पानीपत से आई है, हमारे कस्टमर पीछे खड़े हैं। पानीपत से आई है गाड़ी जी, देख सकते हैं नंबर भी नहीं है। ये भैया ने शायद अभी 10-15 दिन पहले लिया था, बट बोले काम कराना तो ऑटो ग्लास से करवाना, क्योंकि काम जो दिखता है ना भैया वही बोलता है। बिल्कुल, मैं दिखलाऊंगा अभी हमने काम कैसे जबरदस्त किया है, किस टाइप से काम हो रखा है। बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट से भैया वही गार्निश की क्रोम आइटम रहने वाली है। ठीक है, फ्रंट स्किड गार्निश बैक इन स्टॉक, स्टॉक के अंदर है अपने पास। देख सकते हो भाई, बट ये भी लिमिटेड स्टॉक के अंदर आती है भैया। अभी कुछ मारुति की पार्ट्स है, ऊपर नीचे वेरिएशन कर रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। तो आपको जिस टाइम आप फोन करोगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगा क्या पार्ट्स अवेलेबल है, क्या पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। नहीं तो वो मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा आप एक बार। जी बिल्कुल। हेडलाइट की क्रोम लगाया भैया, गाड़ी जो अपनी ग्रे कलर की रहने वाली है तो क्रोम की आइटम सूट करती है अच्छे से। बिल्कुल ठीक बात है, देख सकते हो आप। हाँ, हेडलाइट में एलईडी भी डली है इसमें। ठीक है, कितने वॉट वाली है? 150 वॉट हेडलाइट के अंदर एलईडी डली है। हमारे पास कितने वॉट से लेके कितने वॉट तक की एलईडी है? रेंज तो भैया हमारे पास 36 वॉट से लेके 300 वॉट तक की एलईडी है। बट हेडलाइट के लिए अगर आप जाते हो तो हेडलाइट के लिए आपको कम से कम 90 वॉट तो चाहिए चाहिए चाहिए, इतना प्रेफर आप लोग करते हो? 90 से आपको जो आपकी मर्जी, आप जितने डिपेंड तक लगा लो, 300 वॉट तक की हमारे पास आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भैया फ्रंट से अगर आप बात करें, आप ग्रिल पे देख सकते हो 360 का व्यू इसमें कैमरे का लग रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो हाइपरसोनिक का 360 लग रहा है, 10 इंच के प्रोफाइल के अंदर रहने वाला है, ओएम सिग्नल के अंदर भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्रंट से तो यही काम रहने वाला है भैया। अभी हमने आप लोगों को फ्रंट में दिखाया, हम क्या क्या काम कर रहे हैं। फ्रंट व्यू दिखला दिया भैया, क्या हो सकता है क्रोम आइटम और क्या स्टॉक में रहता है क्या नहीं। साइड की प्रोफाइल पे बात करें, अलॉय लगा सकते हैं भैया का, बस बजट नहीं था, नेक्स्ट टाइम दोबारा अलॉय के लिए आएगी भैया गाड़ी ये दोबारा। जी जी। और व्हील आर्क भी अपने पास बैक इन स्टॉक है, अगर चाहिए तो मिल जाएगा, जो व्हील आर्क पियानो वाला आता है। फेंडर गार्निश लग सकती है भैया, यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल है वो भी मिल जाएगा। 360 अगर दोनों वो साइड मिरर व्यू दिखला दिया, 360 लगा हाइपरसोनिक का 10 इंच के अंदर, वो भी डबल लेयर डैम्पिंग हुई है भैया जी, डबल लेयर डैम्पिंग। अब आप लोगों को डैम्पिंग का फर्क दिखा देता हूँ, अब ये देखो साउंड की क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी दोनों इंक्रीज हो जाती है भैया, एसी इनहेंस हो जाती है, प्लस में आपकी जो वाइब्रेशन वगैरह वो खत्म हो जाती है और नॉइस कम हो जाता है बहुत ज्यादा। नॉइस कैंसिलेशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बाहर के जैसे साउंड वगैरह आ रही है ना वो अंदर नहीं आएगी इस टाइप की। बिल्कुल। डोर वाइजर लगा दिया भैया हमने, लोअर गार्निश अपना गैलियो का रहने वाला है इसमें, 6 पीस के अंदर आता है और नेक्स्ट ओरिजिनल में 4 पीस का आपको किट मिलने वाला है उसके अंदर। अब आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, देखो जो जेन्युइन आती है वो आपकी 1, 2, 3 और 4 पीस की आती है, और जो आफ्टर मार्केट आती है गैलियो वाली उसमें 6 पीस की आती है। और इन दोनों में भी एक चीज का फर्क है, जो आफ्टर मार्केट है वो ऐसी चिपक जाएगी और आपकी जो जेन्युइन वाली है वो पूरी बिडिंग निकल के वो पूरी ही बिडिंग ही दूसरी आती है, राइट? बिडिंग पूरी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। साइड बिडिंग लग गई भैया अपनी, 40% ऑफ नेक्स्ट आइटम पे आपको मिलने वाली है भैया। ये देख सकते हो भाई, साइड बिडिंग के बाद ना गाड़ी का जो लुक है आप साइड से देखो, बस गाड़ी में ना एक अलॉय की कमी है, अलॉय छोड़ के पूरे ऑलमोस्ट काम हो गया है। बिल्कुल। रूफ रेल भी इसमें हमने इंस्टॉल कर दिया, नेक्सा ओरिजिनल। ठीक है, ये नेक्सा ओरिजिनल वाले, उसकी पहचान बता देता हूँ आप लोगों को, जो भी रूफ रेल यहाँ से पूरी आपको नीचे ना इसका 00 फिटिंग दिखेगी तो इट मीन्स टू से दैट ये ओरिजिनल है। आपको अगर आफ्टर मार्केट जाते हो तो वो गोल्ड राउंड कट मिलता है। बिल्कुल। इसमें आपको राउंड कट नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। बाकी बैक साइड की प्रोफाइल पे बात करते हैं भैया, बैक साइड में आप देखिए, किट में हमने रेड क्रोम गार्निश लगा दिया अपना। ठीक है। और अपना बैक कैमरा रहने वाला जो कि ओएम प्लेसमेंट पे रहने वाला भी अपना। ये देखिए भाई, कुछ ऐसा लग जाएगा आपका बैक कैमरा जो है, देख सकते हो आप प्रॉपर्ली। ठीक है जी, ठीक है। बाकी डिक्की भैया बूट खोल दी दिया तो एक बार देख सकते हो, एक्सेल फिट रहने वाला अपना हाइपरसोनिक का जी, एम्बियंस लाइट थी,
प्राइमस का कंपोनेंट लगाया भी हमने, ठीक है, और अपने डैम्पिंग और पीछे बूटलेट जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो हमने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो अभी वीडियो डालिए तो विपुल भाई के पास फोन ज्यादा आ रहे हैं तो इनको इग्नोर करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमने इसके अंदर भी बूटमैट डाला है, बूटलाइट अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो दोनों चीज दे दिया। पार्सल ट्रे हमने इंस्टॉल कर दिया, नेक्सा ओरिजिनल पार्सल जेन्युइन वाली है ना भैया, जेन्युइन की पहचान होती है आपको, इसके साथ डोरी मिलती है रस्सी जो, ठीक है, ये आपको मिलेगी। एग्जैक्टली। तो ये तो सारी बात होगी गाड़ी के बाहर, हमने एक्सटीरियर पे क्या काम किया। अब इस गाड़ी का ना आप लोग एक बार जब इंटीरियर देखोगे ना, मैं बोल रहा हूँ फैन हो जाओगे, अगर आप प्यार करते हो हमारी तरह मैरी गोल्ड, रेड, चेरी और वाइन कलर से। ऑलमोस्ट भैया सारे कलर के अंदर हमने इंटीरियर तैयार कर दिया। तो एक हमारी एक और वीडियो एड ऑन होने वाली है हमारी चेरी कलर की प्रोफाइल पे, तो आप एक बार देखिए उसके अंदर क्या कलर कॉम्बिनेशन जो खिल के आया ना वो आपको मैं दिखलाता हूँ एक बार। तो बिना किसी देरी के चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं अंदर चल के। तो विपुल भाई अब हम इसका दिखाते हैं क्या इंटीरियर प्रोफाइल। इंटीरियर भाई अब ये देखो यार कितना शानदार ये इंटीरियर लग रहा है। ये है भाई आप लोगों का मैरी गोल्ड कलर, आप देख सकते हो भाई। सबसे पहले कौन सा फैब्रिक यूज करा है भाई इसमें बताइए। मैं ऑलवेज देख फैब्रिक का नाम नहीं बोलूंगा, इम्पोर्टेंट में है, ठीक है, अच्छी फैब्रिक है क्योंकि भैया कॉपी बहुत जल्दी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, आप पे नहीं बोलूंगा। बाकी देखिए एक्सटीरियर वर्क तो ऑलमोस्ट सारे चिपकाने वाले होते हैं तो वो कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा। मेन होता है इंटीरियर वर्क, इंटीरियर ऑलवेज हमारे पास आपको अच्छा दिखने वाला है, बेस्ट मिलेगा। एक भी रिंकल आपको किसी भी प्रोफाइल में नहीं दिखने के लिए। बिल्कुल भाई ये यार बता दो हमारे पास सबसे बेस्ट करोड़ लाख में सीट कवर मिलते क्यों है भैया? क्योंकि मेरी खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल आपको जिस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए उस टाइप की आपको मैन्युफैक्चरिंग करके मैं देने वाला हूँ सीट। बिल्कुल ठीक बात है, फॉर्मिंग से लेके मटेरियल तक आपको आपके अकॉर्डिंग मिलने वाला है, क्योंकि भैया आप पैसे दे रहे आपके वर्क के ऊपर हम काम करेंगे पूरा। बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे इस टाइप की डिजाइन चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए, वो हम करके देने वाले हैं। बिल्कुल। अब आप लोग देखो यार डुअल टोन के अंदर है अपना ब्लैक और अपना मैरी गोल्ड कलर के अंदर इंटीरियर है। आप लोग ही बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है इंटीरियर? तो अभी इसका पूरा जो प्राइसिंग है ना वो भी मतलब कितने से कितने रुपए से स्टार्ट है इस टाइप का अगर इंटीरियर चाहिए तो कम से कम आपको 18,000 रुपए से रेंज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है भाई। अंदर बैठ के बात करते हैं रेंज तक की इंटीरियर है। मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ कि क्या क्या हम इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में कर सकते हैं अलग कॉम्बिनेशन। अब देखो भाई हम अंदर आ गए हैं, अब आप लोगों को पता लग रहा हो कितनी शांति होगी गाड़ी में। राइट भैया डैम्पिंग की एक फायदा यही होती है, एक तो आपकी वाइब्रेशन खत्म हो गई जी। गाड़ी अगर आप कभी भी चलाते हैं तो साउंड वगैरह जो नॉइस वगैरह है वो कम हो गया, ठीक है। एसी की कूलिंग एनहांस हो जाती है भैया, गैपिंग बंद हो जाती है, एक बिल्ड क्वालिटी, चार पांच फायदे है डैम्पिंग के, आप वो करवाइए मस्त, बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल मैं तो ऑलवेज कहता हूँ हर गाड़ी में आप डैम्पिंग करवा लो। बिल्कुल ठीक बात है। अब यार जैसे देखो यार अंदर मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, सबसे बढ़िया चीज दिखाऊं मैं आपको 360 की। देखो पहले तो हमने इसके अंदर लगाया 10 इंच का एंड्रॉइड, राइट विपुल भाई, हाइपरसोनिक का ओएम फिटमेंट वाला जो कि स्पेशल फॉर ग्रैंड विटारा आता है। इसमें भी एक फंक्शन और भी है, जैसे आप ये जो बटन है आप इसको गायब भी कर सकते हैं जब आप ये देखो भाई मैंने ये बटन गायब कर दिए क्योंकि भाई जैसी ना मैं रात का मूड, अब दिन में ये बटन नहीं दिखेंगे आपको, जैसी नहीं दिखेगा पता नहीं चलेगा कि हाँ आपने कुछ आफ्टर मार्केट वर्क करा रहा। बिल्कुल। अब मैं पार्किंग ऑन की, ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई। 360 मोड दिखा दो पहले, अभी इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। इंडिकेटर से भी आपका 360 ऑन हो जाता है, बाकी मैं आपको 360 व्यू में जाके आपको दिखलाता हूँ क्लैरिटी और क्लियरेंस अपना। ये देख सकते हैं ये अपना बैक का व्यू रहने वाला, ठीक है, ये फ्रंट रहने वाला है, ये बैक रहने वाला है, ठीक है, ये लेफ्ट लेफ्ट रहने वाला है, ये राइट का रहने वाला है। बिल्कुल। ऑलवेज भी चार कैमरे के अंदर 12 एंगल होने वाले आपके, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, सेट कर कौन से व्यू में आपको अच्छी क्लियरेंस दिख रही है वो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर लो। बिल्कुल भाई एक बार इसका 3D मोड और दिखा दो, मैं ये दोनों व्यू दिखने वाला है। कैमरे की क्लैरिटी देख सकते हैं भैया आप, प्रॉपर कैमरे की क्लैरिटी के साथ रहने वाले, ये लेफ्ट है ये राइट है और ये आपका पूरा 360 व्यू है। मैं 3D व्यू में दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई जब भी मैं आपको ना एक बार पीछे से दिखाता हूँ, अब ये देखो यार ये चीज कितनी प्यारी लगती है, कोई आपकी गाड़ी में बैठ जाए और ये एक बार देख लेना। एक बार भाई हाथ से भी करके दिखा दो कैसे वर्क करता है ये। भैया मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ जी, आप 360 सस्ते में भी लगा सकते हो, बट कैलिब्रेशन वो आप इतना अच्छा नहीं करवा पाओगे जितना हम करके देते हैं। बिल्कुल। आपको एक एक क्लैरिटी दिखने वाली है, देखो कि कहाँ पर क्या चीज दिखने वाला है, क्या व्यू दिखने वाला है, 3D व्यू के अंदर ही होता है। बैक से लेके फ्रंट तक की प्रोफाइल आपको सारी दिखने वाली यार, आप लोग मेरे कैमरे में ही देख सकते हो कितनी क्वालिटी। भाई आप खुद देखो भाई मैं शूट कर रहा हूँ, आप इधर से एक बार देखो कितनी क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब ये बताओ यार 00 फिटिंग के साथ हमने टच फिटमेंट भी अच्छी होने वाली है विद पियानो आपको फ्रेम के साथ मैं देने वाला हूँ। बिल्कुल। इसमें हमने पियानो का अंदर वर्क नहीं किया, नहीं तो चाहते तो ये वाला भी पियानो कर सकते थे। जी जी जी। ये भी पियानो हो सकता था भैया, पावर विंडो भी पियानो हो सकता था जी, बट सर की नीड नहीं थी इतनी पियानो के लिए तो पियानो नहीं करवाया, बस नॉर्मली जो फ्रेम के साथ पियानो होता है वही हमने पियानो दिया। बिल्कुल। क्योंकि ऑफ द कैमरा अब ये देखो भाई हमारे पास गियर नॉब पड़ा है। अब क्या होता है हमारी लेबर की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ना ये खुल नहीं रहा था,
हमारी लेबर ने क्या बोला भैया हमसे नहीं खुल रहा, आप सर्विस सेंटर में ले जाओ हमसे और हम डाल लो भैया, खुलता नहीं है। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बात में लास्ट में मेरे से खुल जाए, बट खुलता नहीं है। तो बिल्कुल 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 ये नहीं ओपन, अभी ओपन होगा तो हम गियर नॉब दे देते हैं, दे देते हैं। बाकी आप कहीं पर भी सर्विस पर जाते हो तो फर्स्ट सर्विस में आपको वहाँ पर खोल देंगे, उनको बोल देंगे भैया गियर नॉब चेंज कर, तो वो खोल देंगे। तो नॉर्मली आप भी चूड़ी होती है भैया नीचे, आप भी राउंड करके घुमा सकते हैं और लगा लेते हैं, लगा कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस थोड़ा बल्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक बार ना इसका आउटपुट भी सुना देता हूँ कैसा है, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपको कैसा लगा इसका आउटपुट। इसके अंदर आपने आगे प्राइमस के कंपोनेंट डाले और पीछे कोएक्सियल डाले। प्राइमस का अपना इन्फिनिटी का रहने वाला है भैया, ठीक है, सेकंड मॉडल रहने वाला है प्राइमस के अंदर। जी जी जी, इसमें हमने कंपोनेंट कोएक्सियल की साउंड से, बाकी एक बार साउंड की क्लैरिटी सुनिए, लगेगा नहीं कि भैया आपने स्पीकर नॉर्मल स्पीकर लगा रखे। तो एक बार भाई इसको ब्लूटूथ मोड पे ले जाते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं बैक हो जाए भाई। ये देखो भाई टच का रिस्पॉन्स भाई एक नंबर है। तो भाई इंटीरियर की बात करेंगे बाद में, पहले ना एक बढ़िया सा नो कॉपीराइट पंजाबी सॉन्ग सुना दो यार। अब यार देखो हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, देखो इतनी भीड़ लग जाती है जब हम शूट करते हैं विपुल भाई मार्केट के अंदर। भैया ऑलवेज क्या होता है गाड़ी के अंदर जो काम होते हैं ना, तो हमारे पास कस्टमर की गैदरिंग रहती है, तो कस्टमर देखते कि अब भैया इनके अंदर इंटीरियर हुआ है, तो भैया इंटीरियर के शौकीन में होते हैं वो इंटीरियर करवा ही लेते हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, और करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम करके भी देंगे आपको। बिल्कुल, बात आ गई सिस्टम की, देखो बात विपुल भाई की भी चल रही है, मैं भी बता देता हूँ। आप लोग ने म्यूजिक सिस्टम सुना होगा, हमारे पास ये होता है जो आपको एक फैमिली वाला म्यूजिक सिस्टम चाहिए। हाई एंड कराना है वो भी मिल जाएगा, टॉप एंड भी कराना है वो भी मिल जाएगा, डिपेंड अपॉन योर बजट और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है म्यूजिक उसके को उसके व्याप पे हम काम कर देते हैं। अगर आपको बजट अलाउ करता है तो आप हाई एंड में भी जा सकते हो, क्योंकि भैया हम जो नॉर्मल गाड़ी के अंदर मॉडिफाई करते हैं लाख के अंदर करना होता है, लाख के अंदर करना कि भैया उनके भी दो पैसे बच जाए और दो पैसे हम भी कमा ले। बिल्कुल, तो लाख के अंदर जो हम काम करते हैं वो अंडर बजट के हिसाब से जो स्पीकर बेस्ट होती है, हम चार पांच स्पीकर रखते हैं, JBL प्राइमस अपना मोरल, ये जो अंडर 10,000 रुपए की रेंज में आती है उसके व्याप पे अच्छी साउंड क्वालिटी आ जाती है इसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब विपुल भाई इंटीरियर की बात चल रही थी, तो सबसे पहले हम करते हैं डोर्स की बात। डोर्स पे बताइए क्या फैब्रिक, डोर पे लेदर रैप फैब्रिक देख सकते हैं, चेरी जैसे मैरीगोल्ड आप कह रहे हैं उस कलर के हिसाब से अपना रहने वाला है, ठीक है। डैशबोर्ड भी देख सकते हैं प्रॉपर भैया, प्रॉपर स्टिच के अंदर फिनिशिंग के साथ रहने वाली है, ठीक है। एम्बियंस लाइट K4 रहने वाला है, कलर मोड चेंजेबल है, ऐप कंट्रोल रहने वाला, आप अपने ऐप से कर सकते हैं। दोनों भैया अमरीश की साइड का पोर्शन हमने चेंज कर दिया, गियर कंसोल का जो गियर कंसोल का चेंज कर दिया, स्टीयरिंग कवर हमने टॉप मॉडल वाला जो आता है ड्यूल टोन वो हमने लगा दिया, स्टीयरिंग भी हमारे पास आपको इसमें जो ब्रीजा का जेटा मॉडल वाला आपको मिल जाएगा। लेदर रैप कराने की जरूरत ब्रीजा उसमें विटारा वाले पड़ जाती है, ब्रीजा वाले में आपको जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, अब देखो भाई 360 में आपको दिखा देता हूँ भाई, इंडिकेटर के साथ ऐसे भी वर्किंग होता है, ये देख सकते हो प्रॉपरली ना आपको ये वर्किंग यहाँ पे मिलता है, ठीक है। विपुल भाई हमने सारा काम यहाँ पे दिखा दिया, कितना खर्चा आया गाड़ी में कैसा हुआ, अब बात कर लेते हैं भैया। ये लगभग 80 से 90 के बीच में का काम खर्चा आया गाड़ी के अंदर, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया इंटीरियर हुआ है, सीट कोर भी देख सकते हैं भैया, एक फर्स्ट लास्ट लुक एक और दिखा दो, ठीक है भाई, ये देख सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने बताया कि भैया 12,000 के ऊपर सीट कोर लेते हैं तो आपको हम नेकलेस पिलो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। व्हाइट LED हमारी गिफ्ट रहती है भैया, ट्यूटर सेंस हमारा गिफ्टेड रहता है, गेयर नॉब गिफ्टेड रहता है भैया, बूटलाइट अपना रहता है और की कवर ऑलवेज छोटी मोटी आइटम जितनी भी होती है दे देते हैं, वो हम जोड़ते भी नहीं है। बाकी नीचे क्रोकोडाइल मैट के ऊपर हमने 70 मैट इंस्टॉल किया है, प्रॉपर कोड विटारा का। ये देखिए भाई क्रोकोडाइल के ऊपर 70 मैट अपना इंस्टॉल हुआ है, प्रॉपरली देख सकते हो यहाँ पे, और जो अपनी जो की वो है ब्लैक पे सिल्वर स्टिच। बिल्कुल, कलर कॉम्बिनेशन भी 70 का अगर आप सीट कोर के साथ करवा सकते हैं तो वो भी हो जाएगा, बट कॉस्ट थोड़ा ऊपर रेंज में चले जाता है। बिल्कुल, गाड़ी के ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा काम दिखला दिया भैया, सर भी दूर से आए, सुबह आए थके हुए, एक बार उनका भी रिव्यू लेते हैं, उसको भी विदा करते हैं। चलिए भाई तो अब चलते हैं आप लोग कस्टमर के पास और उनसे लेते हैं रिव्यू, लेट्स गो। तो भाई लोग जैसा देख रहे हो इस वक्त जो हमारी गाड़ी के ओनर है हमसे जुड़ चुके हैं, सबसे पहले राम राम भैया कैसे हो आप?
बढ़िया ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। अब भैया ये बताओ कितने बजे आए थे आप सुबह? मैं सुबह 9 बजे आया था। सुबह 9 बजे आए थे, अभी जैसा देख रहे हो 8 बज गए हैं, तो मतलब कुल मिला के 10-12 घंटे हो गए आपको। भैया आप सुबह आए थे बेस मॉडल लेके, अभी हमने जितना हो सकता था इन बजट में जो जो आपका बजट अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से हमने काम कर दिया है। मुझे ये बताएं आपको कैसा लगा था? काम अच्छा है। ठीक है, हम वीडियो, आप सबसे पहले बताओ आप कौन सी जगह से आए हो? पानीपत से आया हूं। पानीपत से? वैसे मैंने अपने भाई को बता दिया लेकिन फिर भी एक बार टैली करा रहा हूँ। अभी आप पानीपत से आए हो, पानीपत से आपको कैसे पता लगा करोल बाग में ऑटो क्लासिक पे आना? मैंने आपकी वीडियो देखी थी बहुत बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देख रहा था जी जी जी, उसी को देख के आया था जी जी जी। तो भैया जैसा बता रहे हमारी वीडियो देखी थी भैया, तो भैया ये बताओ वीडियोस में मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, इतना डिस्काउंट देते हैं, ऐसा काम करते वैसा काम करते, आपको कैसा लगा? बढ़िया काम, नेक्स्ट टाइम तो डिस्काउंट मिला है मेरे को। ठीक है, जो आपको डिस्काउंट चाहिए था, अवेलेबल जो होना चाहिए प्रॉपर जो हम बोलते हैं वो मिल गया आपको। बिल्कुल भैया, एंड करते हैं वीडियो को, उससे पहले एक चीज जानना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो में हमें 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से वैसे 10 भी हैं लेकिन अभी मैं 9 देना चाहूंगा। ठीक है, एक नंबर किस चीज का काट रहे हैं वो और बता दो। एक नंबर वही टाइम का है, 9 बजे आया था, लेट हो गया, 5 बजे का टाइम दिया मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसा देखो आपके सामने, मैंने तो नहीं बोला भैया 10 में से 10 लेना, नहीं नहीं मैंने तो नहीं बोला, आपको वीडियो में अच्छा बोलना, नहीं नहीं वो जो भी है इन रियल है, आप देख सकते हो प्रॉपर ना, हम कोई साथ में ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा है जो भैया को पीछे बंदूक ले खड़ा, नहीं भैया 10 में से 10 दे देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो 0 देते हैं हम, ऐसा होता तो बिल्कुल देते भाई, आप नहीं देते तो वीडियो बना के बोल देते, जेन्युइन है जो है जेन्युइन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लोगों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने पानीपत वाले भाइयों को प्यार देना और वहां जाके बोलना हमें भी प्यार दे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग वीडियो, बाय बाय। We'll be right back.